हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 7 से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और जो इजीली आपके समझ में आ जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 7.1 में, तो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 to power n - 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो ये हमेशा रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 देता है। ठीक है, तो ये आपका यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बुक्स में है, मतलब एनसीईआरटी की बुक में है, दोनों के लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक, ये प्रूफ करना है कि अगर इसको डिवाइड करें 25 से, 25 से अगर भाग लगाते हैं तो शेषफल 1 मिलता है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें 6 to the power n, इस 6 to the power n को हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, देखिए 5 + 1 या फिर इसको, हाँ ठीक है, 1 + 5 भी लिख सकते हैं या 5 + 1 कैसे भी लिख लीजिए फिलहाल। ठीक है, अब इस चीज को बाइनोमियल थ्योरम की का यूज करके एक्सपेंड कर दीजिए। अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की बेस पर इसको एक्सपेंड करते हैं, जो कि हमने पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको समझ आएगा। तो देखिए 1 to the power n प्लस, अब क्या होगा, अब होगा एन सी 1 इंटू 1 to the power n - 1 इंटू 5, है ना, 5 की पावर 1 होगी, ठीक, प्लस एन सी 2 1 to the power n - 2 एंड 5 to the power 2, प्लस एन सी 3 1 to the power n - 3 इंटू 5 to the power 3, प्लस डॉट डॉट, लास्ट में 5 to the power n आ जाएगा। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम से हमने इस चीज को एक्सपेंड किया, बाकी और कुछ भी नहीं अभी तक किया है। अब आप देखिए 1 की पावर अगर आप 1n कर दो, कितना भी 1 की पावर कर दो वो हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर है और उसको हम 1 की पावर कर देते तो वो ऑलवेज 1 ही रहता है। एन सी 1 की वैल्यू कितनी होती है, एन सी 1 की वैल्यू n होती है। ये आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में सिखाया गया होगा। इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n - 1, ये एन सी 2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, और 1 की पावर मैंने बताया कितना भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा 25। सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा n - 1 × n - 2 / 3 और यहाँ 2 होगा। 5 to the power 3 मीन्स 125 प्लस डॉट डॉट प्लस 5 to the power n। ठीक है, अब देखिए 6 to the power n यहाँ चल रहा था, इस 5n को यहाँ ले आइए, 6 to the power n - 5n = 1। अब ये टर्म तो चला गया तो ये वाला टर्म आएगा। ठीक, अब इस टर्म से और आगे के जितने भी टर्म हैं वो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 इस टाइप से आएंगी, तो 5 की पावर 2 यानी कि 25 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना, n - 1/2 प्लस n - 1 / 2 / 3 इंटू 125 यानी 125 से अगर 25 कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 to the power n - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ भी वैल्यू आए, हमें इससे नहीं मतलब, कुछ भी वैल्यू आएगी, एक कॉन्स्टेंट ही तो आएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस
25, और यहाँ पर एक कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर दें इस वैल्यू को किसने से, 25 से, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमने लिखा 3, ठीक है, 3 का मतलब कितना हुआ, 1 प्लस 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, ये तो हमें इजीली पता है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, इस टाइप से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 1 प्लस 2 लिखा तो हम 1/2 लिख सकते हैं और 2/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया। और जहाँ पर कंप्लीट कैंसिल नहीं होता है, ठीक, जब आपका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाता है, वही आपका, ये आपका रिमाइंडर रह जाता है। ठीक, ऐसे ही अगर इस नंबर को आप 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है बट 1 डिविजिबल नहीं है, तो ये 1 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हिंस, ठीक है, 6 to the power n - 5n लीव्स 1 रिमाइंडर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, वन डिवाइडेड बाय 25 से जब डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें 2 नंबर गिवन है, ठीक, 1.01 to the power 10 lakh एंड 10,000, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लार्जर है, इन दोनों के बीच कौन सा नंबर बड़ा है, इस चीज़ को हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को हम एक्सपेंड करके देखते हैं कि ये कितनी वैल्यू दे सकता है। ठीक, तो 1.01 टू दी पावर 10 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01, ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ठीक है, 1 टू दी पावर 10 लाख हो जाएगी, देन प्लस, अब होगा 10 लाख, ठीक, 10 लाख C1, ओके, एंड इसकी पावर इसमें से 1 माइनस, ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। जब पावर इसकी 1 माइनस करेंगे तो वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 9, 9, 9, 9, 9, 9 and 9, ठीक है, एंड 0.01 to the power 1 बनेगी। अब इसके आगे अभी मत लिखिए, डॉट लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा टर्म होगा तो उसको डॉट लगा के छोड़ देते हैं। जैसे जैसे इसकी पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे नंबर हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 की पावर है, तो मैंने बोला था कि 1 की पावर कितना भी आप इंक्रीज करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स 1 होगा। और अगर यहाँ हम इसकी वैल्यू देखें, एन सी 1 की वैल्यू देखते हैं तो एन आती है, मतलब इतना ही आएगा, 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 0.01 प्लस डॉट डॉट और कोई नंबर आएगा। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए 2 डेसिमल हैं, और 2 डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमारा 1 प्लस, ये हमारा बचेगा कितना, 10,000, देख रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 प्लस 1, और इसके आगे कुछ और पॉजिटिव टर्म आएंगे, ठीक है, कुछ और पॉजिटिव टर्म ही तो आएंगे, तो वो कुछ ना कुछ देंगे, कोई छोटा नंबर देंगे लेकिन देंगे कुछ। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये 10,000 प्लस 1 हो जाएगा,
जो कि 10,000 से ग्रेटर है, इस नंबर से ये नंबर कैसा है, ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो इससे ग्रेटर होगा। सिंस वी कैन से दैट 1.01 टू द पावर 10 लाख विल बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, तो ये नंबर इससे ग्रेटर होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चीज़ें हो गई होंगी।